मैं भी तुम्हारे बिना आज तक एक दिन भी नहीं जी हूं। हर दिन तिल तिल कर मरती रही हूं। मैं तुमसे कितनी बार मिलने आई, लेकिन लेकिन हर बार तुम्हारी नफरत के आगे मेरी ममता हार जाती थी। मैं यही सोचती, अगर मेरी वजह से मेरे बेटे को दुख पहुंचता है, तकलीफ होती है, तो मैं तुमसे दूर ही रह लूंगी। लेकिन लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तो आप हमेशा मेरी बातें सुनकर चली क्यों जाया करती थी? मेरे कान पकड़कर कभी मुझे डांटा क्यों नहीं? अपना हक क्यों नहीं जताया? मैं डरती थी। डर? किस बात का डर माँ? सोचती थी मेरे गुस्से और मेरी जिद, अगर तू मुझसे दूर चला गया तो मेरा क्या होगा? कम से कम मैं तुझे छिप कर देख तो सकती हूँ, तेरा हाल तो पता कर सकती। एक बेटा अपनी माँ से कितनी दूर जा सकता था? हाँ, मैंने आपको अपने आप से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा आपको अपने आसपास पाए, सोते जागते हर वक्त आप ही की तस्वीर दिखाई देती थी। हम दोनों माँ बेटे के सिवा हमारा और है कौन? संजना, रो मत बेटी, रो मत। पापा, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? पापा, मेरा एक ही सपना था तो वो भी टूट गया। इसके लिए निशांत और उसके परिवार वालों को सजा मैं दूंगा। लेकिन अभी तो सारी तकलीफ मुझे ही बर्दाश्त करनी पड़ रही है ना पापा। मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कौन सा फैसला? यही कि मैं निशान से ना ही बात करूंगी और अब ना ही मिलूंगी। मतलब तू क्या उसे अपना रिश्ता तोड़ लेगी? ये रिश्ता किस काम का है पापा? ऐसे रिश्ते को ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाए। संजना, तू इतनी आसानी से उसे आजाद कर देगी? नहीं बेटी, अगर वो इतनी आसानी से आजाद हो गया तो इसमें फायदा उसी का है और वो खुद भी यही चाहता है। पापा, अब मैं उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहती। देखा आपने पापा, मेरी ये हालत है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है और वो अपनी बीवी के पास है, उस उर्मिला के पास है। संजना, अब वो वक्त आ गया है जब चौधरी खानदान को तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाना चाहिए और ये विस्फोट मैं खुद करूंगा, खुद। बस बेटा, तू थोड़ी ठीक हो जा। मैं अब ठीक नहीं होगी पापा। क्यों? क्यों ठीक नहीं होगी? अब मैं तभी ठीक होगी पापा, जब निशांत मुझे अपने साथ अपने घर लेके जाएगा और सबको बताएगा कि मैं उसकी पत्नी हूं। अब ये परेशानी, ये तकलीफ मैं अकेली नहीं सहूंगी। नैना, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? आओ। माँ जी, माँ बेटे के इस मिलन में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। बैठो।
तुम हमसे अलग थोड़ी हो। मुझे इस बात का पूरा इत्मीनान था कि माँ बेटे एक दूसरे से ज्यादा दिन अलग नहीं रहेंगे। सारी गलती मेरी ही है, मैं ही अपने आप में उलझा रहा। कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि माँ का दर्द कितना बड़ा होता है। बेटा होकर माँ का अपमान करता रहा। कभी इनकी एक नहीं सुनी। मेरी तकदीर में जो तड़प लिखी थी वो तो मुझे भुगतनी थी। समाज के डर से मैंने अपने नन्हे से बच्चे को मुरारी के हवाले कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई मेरे बच्चे को गाली ना दे, क्योंकि दोषी तो मैं हूं। नहीं मां, अगर मैंने अपमान सहा है तो आपने मुझसे कहीं ज्यादा सहा है। हाँ, मुझे तड़प थी, चाह थी ममता के आंचल की, लेकिन जो खुद ही एक द्वंद एक पीड़ा लिए जी रही हो उससे मेरी चाहत कैसे पूरी होती। मेरी चाहत हमेशा यही रही कि मैं अपने बेटे से पहचानी जाऊं। लोग यही कहें कि ये सागर की माँ है। सागर, कोई भी बेटा अपनी माँ के तन से ही जन्म नहीं लेता, उसकी आत्मा से भी लेता है। इसीलिए तो माँ का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा होता है। लेकिन मेरे नसीब में शायद बेटे का सुख था ही नहीं। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब हम पुरानी सारी बातें भुलाकर एक साथ जिएंगे, सारी खुशियों के साथ। हाँ माँ जी, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और डॉक्टर का भी यही कहना है कि कुछ ही दिनों में आपकी चोट एकदम ठीक हो जाएगी, फिर हम आपको यहाँ से लेके भी जा सकते हैं। डॉक्टर तो कहता रहेगा। नैना, नैना, मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सागर का पूरा ख्याल रखोगी। माँ जी, सागर को आपकी जरूरत ज्यादा है, आप उसकी माँ हैं, और अब अगर आप सागर से मिलकर बिछड़ जाती हैं तो सागर को संभालना बहुत मुश्किल होगा। अरे भाई, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आप लोग बाहर जाइए प्लीज, उन्हें आराम की जरूरत है, आराम करने दीजिए। चलिए माँ, मैं यहीं। कैसी हैं आप? I'm better. उर्मिला, यहाँ बैठो। उर्मिला, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे संभाल लो। अगर ऐसे में तुमने मुझे नहीं संभाला तो मैं बिगड़ जाऊंगा। मुझे संभाल। बात क्या है निशान? बात क्या है, मुझे भी बताओ। देखो बेटा, बस तुम मुझ पर यकीन करो, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी परेशानी। मैं तो हमेशा से आपसे यही कहती आई हूँ कि मेरे पास आपके यकीन के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक पति का भरोसा, उसका यकीन ही पत्नी के रिश्ते की बुनियाद है। हमारे बीच ये भरोसे की डोर ही तो है जो हमें एक दूसरे से बांधे हुए है। उर्मिला, प्लीज इस भरोसे की डोर को कमजोर मत पड़ने देना। निशांत, ये सब सिर्फ मेरी कोशिशों से ही नहीं होगा। आप मुझसे कोई भी बात छुपाते क्यों हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी, मुझसे आपकी कोई भी चीज छिपी नहीं रहनी चाहिए। उर्मिला, मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छिपाई, और अगर हुआ भी है तो ये सोचकर नहीं कि तुम्हें तकलीफ पहुंचे। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे आपको भी तकलीफ पहुंची है और मुझे भी। जब आप किसी पर आस्था पूरा विश्वास रखते हैं ना, तो उसकी छोटी से छोटी बात भी चुभती है। मैं मानता हूँ।
कोशिश करूंगा कि आगे से मुझसे कोई गलती ना हो। मैं कहां जाऊंगा? मैं गलतियां करके भी तुमसे अलग नहीं रह सकता। मेरी प्लीज। मेरा भी तो सहारा आप ही हैं। शादी के बाद से ही मैंने यही सपना देखा है कि हम पति पत्नी सबके लिए मिसाल बने। लोग हमारे प्यार, हमारे विश्वास को ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारा ये बंधन 7 जन्मों तक ना टूटे। उर्मिला, मैं तुम्हें अब शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। और वैसे भी ये रूठना मनाना नोक झोंक पति पत्नी की जिंदगी का एक हिस्सा होता है। लेकिन सच में उर्मिला, गॉड स्वेयर, पहली बार तुम्हें नाराज देखकर मैं वाकई में डर गया। क्यों? डर क्यों? आपको क्या लगा कि मैं मानूंगी नहीं, या फिर आप मनाने की रस्में ही भूल गए हैं? मैं अपनी परेशानियों में शायद सब कुछ भूल गया था, लेकिन तुम्हारी जैसी पत्नी भूले हुए को सही रास्ते पर ले आई। मुझे अपने से कभी अलग मत समझना निशान। आपकी परेशानियां भी मेरी अपनी हैं, और मेरा पति अपनी परेशानियों में उलझकर कमजोर पड़ जाए, ये बात मैं कभी नहीं चाहूंगी, कभी नहीं। नैना। हाँ। काफी देर हो गई है, ऐसा करो तुम घर चली जाओ। तुम भी सुबह से परेशान हो रही हो, जाकर आराम करो, मैं हूँ यहाँ। क्यों, मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई काम ही नहीं है, और सुबह तुम आ जाना आराम से। सागर, घर जाकर भी मेरा मन यही लगा रहेगा, और ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं जानता हूँ मेरी माँ की हालत देखकर तुम बहुत दुखी हो, लेकिन उन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। तुमने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से रुक रही हूँ। मतलब ये कि वो सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी माँ है। बड़ी मुश्किलों से मुझे माँ का रिश्ता मिला, मैं उन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। नैना, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, शायद इसीलिए तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरी माँ के दुख को तुम अपना दुख समझती हो। ये इंसानी दुखी तो एक दूसरे को जोड़ता है। सिर्फ दुखी नहीं सागर, मैं तुम्हारे हर सुख में भी तुम्हारा साथ दूंगी। तुमसे पूछे बिना ही माँ जी ने मुझे इस रिश्ते का सम्मान दे दिया है। कब? क्या तुम मेरी माँ से मिलती रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इतने दिनों से माँ जी कहाँ रह रही थी? नहीं सागर, माँ जी मेरे पास थी, मेरे घर पे। और ये बात तुमने मुझसे छुपाए रखी? क्योंकि क्योंकि मैंने कसम खाई थी सागर कि मैं माँ बेटे को एक दिन जरूर मिलवा कर रहूंगी, लेकिन तुम्हारे दिल में माँ जी के लिए इतनी नफरत देखकर ये बात मैंने तुमसे छुपाई थी। मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाई सागर। तो तुमने ये एहसान भी कर दिया मुझ पर। सागर, मैंने एहसान नहीं, अपना फर्ज मानकर किया है। मैंने अपनी माँ को बचपन में देखा था सागर, माँ जी को मिलकर मुझे लगा मुझे अपनी माँ मिल गई, और उन्हें मैं खोना नहीं चाहती थी।
अभी भी बहुत दर्द है डॉक्टर। चोट भी तो काफी गहरी है आपकी। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना डॉक्टर? ऐसे क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर मैं अब जीना चाहती। बड़ी मुश्किलों से मुझे मेरा बेटा मिला है, अब मैं उसे खोना नहीं चाहती। आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब सागर से तो मिले हैं ना डॉक्टर? आपकी तबीयत को लेकर काफी परेशान है वो। डॉक्टर मेरी इस हालत ने तो उसे इतने करीब पहुंचाया है मुझे। तकदीर ने तो बहुत अत्याचार किए हैं मुझ पर, मैं तो मर ही जाती। आज शायद बची हूं तो सिर्फ अपने बेटे की खातिर। ईश्वर आपकी मदद करेगा, आप निराश ना हो। जानती हूं डॉक्टर। डॉक्टर पता है एक्सीडेंट से पहले मुझे ऐसे लगने लगा था शायद मैं अपने बेटे को कभी नहीं करीब ला पाऊंगी। एक माँ अपने बेटे के लिए तड़पती यूं ही मर जाएगी। लेकिन देखिए ना, एक्सीडेंट की खबर सुनते ही वो भागा हुआ यहाँ चला। ये माँ बेटे का रिश्ता होता ही ऐसा है। माँ बिना बेटा अधूरा और बेटे बिना माँ। देखिए अब आप आराम कीजिए, बात मत कीजिए प्लीज, ठीक है सिस्टर? यस डॉक्टर। ये दवाई इन्हें अभी दे दीजिए और इंजेक्शन एक घंटे बाद दे, राइट? ओके डॉक्टर।